एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे हमने दिखाया है कि एक शादीशुदा कपल है, जब अपने पति पे कोई संकट आता है तो उसकी बीवी उसको कैसा साथ देती है, ये हमने इस फिल्म में दिखाया है। अलग फिल्म है, इट्स टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट एंड आई डोंट नो, आई होप पीपल एक्सेप्ट इट एंड आई थिंक दिस फिल्म इज मोर फॉर द लेडीज। ये कहानी है एक पति पत्नी की जो काफी गरीब होते हैं और कैसे उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है एक अमीर आदमी, लेकिन फिर एंड में सब ठीक हो जाता है। और ये बेसिक थीम है कहानी की। मैं मानता हूँ कि पिक्चर का जो बेस है काफ़ी बोल्ड है और ही इज़ अ वेरी लवेबल कैरेक्टर इन द फिल्म। तो वो पहली नज़र पे लड़की से ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल, उसे ये नहीं पता कि वो एक शादीशुदा औरत है या कुछ है। और उस कैरेक्टर का जो पूरा रवैया दिखाया गया है कि वो हर चीज़ का सौदा करता है ज़िंदगी में। जब मैंने सब्जेक्ट सुना तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट, फर्स्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें ये कोई एक और लव स्टोरी नहीं है जिसमें हर एक न्यू कमर को लॉन्च किया जाता है। इसमें अपने इमोशंस दिखाने का, अपने टैलेंट दिखाने का काफ़ी स्कोप नज़र आया मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए अच्छा रहेगा, इसकी फिल्म अच्छी रहेगी। न्यू कमर के लिए बहुत अच्छा है, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज हैड अ कपल ऑफ वेरी डिफिकल्ट सीन्स एंड अच्छा काम किया है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा अपने ऊपर है कि जो मैंने अपना पार्ट पोर्ट्रे किया है फिल्म में बहुत कन्विंसिंगली किया है और बहुत अच्छी तरह किया है। जहाँ तक सपोर्टिंग की बात है, वहाँ कोई स्टार कास्ट या कोई बहुत बड़ी सपोर्टिंग कास्ट से कोई फिल्म को फ़र्क ज़रूर पड़ता है इनिशियल की तरफ से, लेकिन जब तक पिक्चर में दम नहीं होगा पिक्चर नहीं चल सकती। मैं मानता हूँ कि कैरेक्टर नेगेटिव है, लेकिन उसे किस तरह से प्ले किया गया है कि आपको वो थोड़ी सी भी फीलिंग महसूस नहीं होती है कि इसने कैसे ये बात कह दी। मेरी फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप आपके बच्चों के साथ देख नहीं सकते। इट्स एकदम क्लीन फिल्म है, एकदम नीट फिल्म है, खाली एक अलग स्टाइल से मैंने इसको फिल्म को हमने पेश किया है। कुछ इंडीसेंट नहीं है फिल्म में, इट्स अ वेरी क्लियर कट क्लीन फिल्म, सो आई थिंक पीपल विल लव इट एंड एक्सेप्ट इट। और मैं चाहूँगा कि आप सब जाके ये फिल्म थिएटर में देखें और मुझे पसंद करें। आई लव यू ऑल एंड आई होप ऑल ऑफ यू डू एक्सेप्ट The indecent proposal, Sauda.